साल था 1723। दोपहर का सूरज चिलचिला रहा था। रानी कमलापति ने अपने महल की खिड़की से बाहर झांककर देखा कि तभी उन्हें आसमान में काला धुआं दिखाई दिया। इस धुएं को देखकर वो दौड़ते हुए दौलत खाने में पहुंची, जहां किन्नौरगढ़ रियासत का सारा खजाना और जेवरात रखे थे। उन्होंने सब कुछ इकट्ठा किया और अपने दासियों से बड़ा बांध तालाब का संकरा रास्ता खोलने के लिए कहा। रास्ता खुलते ही पानी रिसकर छोटे तालाब में आने लगा और देखते ही देखते छोटा तालाब भर गया। रानी ने महल की सारी दौलत और जेवरात उस तालाब में फेंक दिए और दुश्मन सेना के आने से पहले पहले ही जल समाधि ले ली। ये सेना थी दोस्त मोहम्मद खान की, जिसे राखी बांधकर रानी ने अपना भाई बनाया था। लेकिन वो तो रानी से शादी करना चाहता था। यही कारण था कि अपनी माँ को बचाने के लिए 14 साल के उनके बेटे नवल शाह ने दोस्त मोहम्मद खान से जंग लड़ी। ये जंग इतनी भयानक थी कि खून से पूरी घाटी लाल हो गई और इस जगह का नाम लाल घाटी पड़ गया। नवल शाह और उनके साथी मारे गए। उनके दो साथी जैसे तैसे जान बचाकर मनुआ भान की पहाड़ी पर पहुंचे और काला धुआं करके रानी को संकेत दिया कि वो जंग हार चुके हैं। दोस्त मोहम्मद खान तेजी से रानी की तरफ बढ़ रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि रानी तो पहले ही जल समाधि ले चुकी हैं। दोस्त मोहम्मद खान इतिहास का वो शख्स जिससे दोस्ती करने वाले को मौत तोहफे में मिलती थी। 18वीं सदी की शुरुआत में ये बैरागढ़ का नवाब बना। इसके पड़ोस की रियासत जगदीशपुर पर चौहान राजा नरसिंह राव का राज था। इन्होंने नरसिंह राव से दोस्ती कर ली और कुछ समय बाद उन्हें बिरयानी की दावत पर बुलाया। दावत रखी थाल नदी के किनारे, जिसमें दोनों तरफ से 16-16 लोग शामिल हुए। राजा नरसिंह राव और उनके साथी बिरयानी का मजा ले रहे थे कि तभी अचानक दोस्त मोहम्मद खान और उसके साथियों ने हमला कर दिया। इतनी मारकाट मची कि थाल नदी का पानी लाल हो गया, जिसके बाद इसे हलाली नदी कहा जाने लगा। राजा नरसिंह राव चौहान शहीद हो गए और जगदीशपुर को दोस्त मोहम्मद खान ने हड़प लिया। इस तरह से वो बैरागढ़ और जगदीशपुर दोनों का नवाब बन गया। इतिहासकार कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद खान पहले दोस्ती करता, भरोसा जीतता और फिर उसी की हत्या कर देता। वो अक्सर निहत्थे लोगों पर वार करता था। परसोल के ठाकुर पर भी उसने होली के दिन हमला करके उनकी हत्या कर दी। आगे चलकर वो भोपाल का पहला नवाब बना, क्योंकि रानी कमलापति ने उसे अपना भाई बनाकर भोपाल की जागीर दे दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोस्त मोहम्मद खान इतना ही गद्दार था, तो रानी कमलापति ने उसे अपना भाई क्यों बनाया और वो भोपाल का पहला नवाब था, तो इतिहास में भोपाल के बेगमों के शासन की कहानी कैसे दर्ज हुई? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा किन्नौरगढ़ के जंगलों में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 850 किलोमीटर दूर रातापानी के घने जंगलों से घिरा है किन्नौरगढ़। आज ये किला इंडियन पैरट्स के लिए मशहूर है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये गोंड राजाओं की राजधानी हुआ करता था। 18वीं सदी में महाराजा सूरत सिंह शाह के देहांत के बाद उनके बेटे निजाम शाह किन्नौरगढ़ के नए राजा बने। उनके साम्राज्य में सीहोर, भोपाल और रायसेन समेत कुल 750 गांव आते थे। इतिहास बताता है कि निजाम शाह की 6 पत्नियां थी और उनकी 7वीं शादी हुई रानी कमलापति से। कहते हैं कि रानी कमलापति इतनी खूबसूरत थी कि जब वो ब्याह कर पहली बार महल आई, तो निजाम शाह का भतीजा चैन शाह उन्हें देखते ही उन पर फिदा हो गया। उसने कई तरीकों से रानी को पाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इधर निजाम शाह भी रानी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने रानी के लिए भोपाल में एक 7 मंजिला आलिशान महल बनवाया, जिसका नाम रखा गया रानी कमलापति महल। ये महल बेहद खूबसूरत था। रानी को गर्मी ना लगे, इसलिए कमरे के झरोकों पर पानी ऐसे खोला जाता था मानो बारिश हो रही हो। राजा रानी एक साथ काफी खुश थे। कुछ सालों बाद इन्हें एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया नवल शाह। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन चैन शाह को अब भी चैन नहीं था, क्योंकि उसके मन में रानी को पाने के अरमान अब भी थे। इसीलिए उसने निजाम शाह को एक दिन अपने यहाँ दावत पर बुलाया। उसने खाने में पहले से ही जहर मिला दिया था,
जिसे खाकर निजाम शाह की जान चली गई। अब जैन शाह ने पूरे गिन्नौरगढ़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी उसे कहीं नहीं मिली, क्योंकि राजा के कुछ साथियों ने उन्हें पहले ही रानी कमलापति महल में पहुंचा दिया था। जैन शाह लगातार उनके पीछे पड़ा रहा, जिससे परेशान होकर रानी कमलापति ने इस्लामपुर के नवाब दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को राखी भेजकर अपना भाई बनाया और उन्हें मदद के बदले 1,00,000 अशर्फियां देने का वादा किया। दोस्तों, उस दौर में ना तो टीवी था, ना न्यूज़पेपर, ना इतिहास की किताबें और ना ही सोशल मीडिया, तो रानी को कैसे पता चलता कि ये इस्लाम नगर ही जगदीशपुर है, जहाँ के राजा को दोस्ती के नाम पर दोस्त मोहम्मद खान ने धोखा दिया था। सूफी संत इस्लाम शाह के नाम पर उसने जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर रख दिया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो थी उसकी नीयत। वो तो आया ही उन कबीलों से था जहां पर हत्या करना आम बात थी। दोस्त मोहम्मद खान का इतिहास देखा जाए तो आज के पाकिस्तान के शहर खैबर पख्तून खान के एक कबीले में वो पैदा हुआ था। बाद में रोजी रोटी के लिए वो मुगल सेना में नौकरी करने के लिए भारत आ गया। कभी वो मुगलों के तरफ से जंग पर जाता तो कभी उसे यहाँ के सूबेदारों से खैर खबर लेने के लिए भेज दिया जाता था। साल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद जब मुगल साम्राज्य टूटने लगा तो दोस्त मोहम्मद खान के मन में भी राजा बनने का ख्वाब जागा। कुछ मुगल सैनिकों को भरोसे में लेकर उसने सबसे पहले बैरागढ़ और फिर जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। अब जब रानी का पत्र उसे मिला तो रानी की दी हुई राखी बांधकर उसने किन्नौरगढ़ पर हमला कर दिया। दोस्त मोहम्मद खान और जैन शाह में जंग हुई और जैन शाह मारा गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसी जैन शाह का दूसरा नाम आलम शाह था और ये निजाम शाह का छोटा भाई था, ना कि भतीजा। खैर, उसके मौत से रानी को ही नहीं गिन्नौरगढ़ की जनता को भी बहुत चैन मिला। दोस्त मोहम्मद खान ने रानी को गिन्नौरगढ़ दे दिया और बदले में रानी ने उसे 50,000 सोने की अशर्फियां दी, जो वादे के मुताबिक आधी रकम थी। इसीलिए उन्होंने बाकी की 50,000 अशर्फियों के बदले उसे भोपाल दे दिया। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। हुआ यूं कि रानी कमलापति की खूबसूरती देखकर वो भी उन पर फिदा हो गया। कुछ दिनों बाद उसने रानी को एक लेटर भिजवाया जिसमें उनसे कहा गया था कि वो दोस्त मोहम्मद खान के हरम में शामिल हो जाएं। रानी हैरान थी कि जिसे उन्होंने भाई बनाया वो उससे शादी कैसे कर सकती हैं। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम में ऐसा हो सकता है। उसने रानी को इतना परेशान किया कि आखिरकार अपनी अस्मिता बचाने के लिए रानी को जल समाधि लेनी पड़ी और अब पूरी गिन्नौरगढ़ रियासत पर उसी का कब्जा हो गया। साल 1722 में दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की नींव रखने के लिए रायसेन से एक मौलवी मोहम्मद मुआजम को बुलाकर उनसे भोपाल की नींव का पहला पत्थर रखवाया। दूसरा पत्थर उसने रखवाया अपनी पत्नी फतेह बीबी से, जिसके नाम पर फतेहगढ़ फोर्ट बना। यानी कि आज दोस्त मोहम्मद खान उस भोपाल का नवाब बन गया था जिसे कभी राजा भोज ने बसाया था। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी। राजा भोज 11वीं सदी के परमार राजा थे जो कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही राजगद्दी पर बैठे थे। जब वो राजा बने तब उनकी रियासत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी पड़ी थी, लेकिन राजा भोज ने सबको हराया। जब उन्होंने तेलंगाना के तेलब और तिरहुत के गांगेय देव को हराया तब कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली वाली कहावत मशहूर हुई। कहते हैं कि वो जिस वंश से आते थे, यानी कि परमार वंश का 9वीं सदी से यहां शासन था। राजा भोज इस वंश के सबसे प्रतापी राजा और उतने ही बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने ही केदारनाथ मंदिर को रिनोवेट करवाया था। जब महमूद गजनी ने सोमनाथ को लूटा तो राजा भोज की सेना ने उसका पीछा किया। गजनी तो जान बचाकर भाग गया, लेकिन जंग में उसका बेटा मारा गया। उन्होंने सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक भोजेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया, अपनी प्रजा के लिए कई बांध और तालाब बनवाए। ऐसा ही एक तालाब उन्होंने भोपाल में बनवाया था जिसका नाम था भोजताल, और यही नाम बदलते बदलते पहले भोजताल, बाद में भोजपाल, फिर भोपाल और आखिर में भोपाल हो गया। और अब यानी कि 18वीं सदी से
यहाँ नवाबी राज शुरू हुआ। दोस्त मोहम्मद खान ने फतेहगढ़ फोर्ट में भोपाल की पहली और सबसे छोटी 28 सीढ़ी मस्जिद बनवाई। 1726 में उनका इंतकाल हो गया और फिर नवाब बने उनके बेटे यार मोहम्मद खान। कहते हैं कि उस वक्त दिल्ली पर बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का राज था। एक बार पेशवा बाजीराव की लीडरशिप में मराठों ने उन पर हमला कर दिया। जब वो वापस पुणे लौट रहे थे, तब यार मोहम्मद खान ने हैदराबाद के निजाम और रंगीला की सेनाओं के साथ मिलकर मराठों को घेर लिया। इतिहास बताता है कि मुट्ठी भर मराठा सैनिकों ने इन तीनों सेनाओं को अकेले ही हरा दिया। तब यार मोहम्मद खान ने अपनी सत्ता बचाने के लिए मराठों की गुलामी मंजूर कर ली। वक्त बीतता गया और नवाब बदलते रहे। 19वीं सदी में नजर मोहम्मद खान भोपाल के 7वें नवाब बने। उस दौर में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है और मराठे हार जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर नजर मोहम्मद खान ने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ सीहोर साइन की और अंग्रेजों के गुलाम बन गए। कहते हैं कि उस वक्त जनता ने इस संधि के खिलाफ कुंवर चैन सिंह की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा विद्रोह किया, लेकिन इसे दबा दिया गया। आने वाले वक्त में नवाब अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, इसीलिए अंग्रेज भी उन पर मेहरबान थे। कहते हैं कि नजर मोहम्मद खान का निकाह कुदसिया बेगम से हुआ था, जिनका एक नाम गोहर बेगम भी था। वो महज 18 साल की थी जब नजर मोहम्मद खान इस्लाम नगर शिकार खेलने गए। जब वो शिकार की तैयारी कर रहे थे, तब पास में ही उनका 8 साल का भतीजा खेल रहा था। खेल खेल में उसने पिस्टल उठाई और गोली चला दी। ये गोली नजर मोहम्मद खान को लगी और वो वहीं ढेर हो गए। अब ये हत्या था या फिर हादसा, इस बात का कभी पता नहीं चल पाया। लेकिन उनके जाने के बाद भोपाल में ये संकट खड़ा हो गया कि अगला नवाब किसे बनाया जाए, क्योंकि नवाब नजर मोहम्मद खान को कोई बेटा नहीं था और उनकी बेटी सिकंदर बेगम बहुत छोटी थी। तब अंग्रेजों ने ये तय किया कि जब तक सिकंदर बेगम की शादी नहीं हो जाती, तब तक भोपाल की सत्ता कुदसिया बेगम ही संभालेगी। और यहीं से भोपाल में राज शुरू होता है बेगमों का। कहते हैं कि कुदसिया बेगम को रिजेंट यानी कि राज प्रतिनिधि के तौर पर बेगम बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद बहुत अच्छे से भोपाल का राज संभाला। सालों तक राज करने के बाद उन्हें राजगद्दी से इतना प्यार हो गया कि अपनी बेटी सिकंदर बेगम का निकाह भी उन्होंने काफी देर से करवाया। साल 1835 में जब सिकंदर बेगम का निकाह जहांगीर मोहम्मद खान से हुआ, तब भी कुदसिया बेगम राज करती रही। 2 साल इंतजार करने के बाद जब जहांगीर मोहम्मद खान ने विद्रोह कर दिया, तब जाकर 1837 में उन्हें भोपाल का नवाब बनाया गया, लेकिन वो भी सिर्फ 7 साल तक ही राज कर पाए। साल 1844 में नवाब जहांगीर मोहम्मद खान का इंतकाल हो गया और उनका भी कोई बेटा नहीं था। बस एक 7 साल की बेटी थी जिनका नाम था शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम काफी छोटी थी, इसीलिए उनके बिहाफ पर सिकंदर बेगम ने राजकाज संभाला, ठीक वैसे ही जैसे कि उनके माँ कुदसिया बेगम ने संभाला था। भोपाल के लोगों के बीच वो मोती बेगम और सरकार अम्मा के नाम से मशहूर थी। उन्हें के वंशज शहरयार खान ने अपनी किताब बेगम ऑफ भोपाल में बताया है कि सिकंदर बेगम के दौर में ही 1857 की क्रांति हुई थी। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें एक लेटर लिखा कि आप अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं, हम आपको देख लेंगे। इस पर सिकंदर बेगम ने उन्हें जवाब में लिखवाया कि हमारे हथियार भी तैयार हैं, अब जब कहें हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये युद्ध तो कभी नहीं हुआ, लेकिन बेगम पर अंग्रेजों की मेहरबानी जरूर हुई। अंग्रेजों ने उन्हें बेगसिया नाम का एक परगना गिफ्ट किया और 1860 में खुद उन्हें भोपाल का नवाब बना दिया। 8 साल तक राज करने के बाद सिकंदर बेगम का इंतकाल हो गया और भोपाल की नई नवाब बनी बेगम शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां की तरह इन्हें भी बिल्डिंग्स बनवाने का काफी शौक था। इन्होंने 300 कमरों का रंग महल बनवाया जो इतना खूबसूरत था कि उसे ताजमहल कहा जाने लगा। इन्होंने ताज उल मस्जिद बनवाई जो सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। कहते हैं कि उस वक्त इसे बनाने में इतना खर्चा हुआ कि काम रोकना पड़ा था। बाद में साल 1971 में डोनेशन इकट्ठा करके इसे पूरा करवाया गया। शाहजहां बेगम की पहली शादी भोपाल के एक आर्मी कमांडर से हुई थी जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे। इस शादी के बाद उन्हें एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया सुल्तान जहां बेगम।
लेकिन कुछ वक्त बाद ही इनके पति का इंतकाल हो गया। सिद्दीकी हसन खान उस दौर में राजमहल में एक कलर के तौर पर काम करते थे। पति के इंतकाल के बाद शाहजहां बेगम के नजदीकियां उनसे काफी बढ़ गईं। शाहजहां बेगम ने उन्हें अपना शोहर बनाकर सबको चौंका दिया। एक कलर्क का नवाब बनना भोपाल के राज दरबारियों को कतई पसंद नहीं आया। ऊपर से सिद्दीकी हसन खान एक कट्टर इस्लामिक थे, इतना कि उनके कहने पर शाहजहां बेगम तक को पर्दे में रहना पड़ता था। वो खुद नवाब की तरह राज करने लगे और बेगम को कठपुतली बना दिया। जनता का ख्याल रखने के बजाय उन्होंने लोगों का धर्म बदलवाने पर ज्यादा ध्यान दिया। इस वजह से लोग उनके खिलाफ हो गए। भोपाल में बेगम के अलावा उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने शाहजहां बेगम की बेटी सुल्तान जहां बेगम का मर्डर करने की कोशिश की। इस बात से खफा होकर अंग्रेजों ने उन्हें भोपाल से निकाल दिया। शाहजहां बेगम ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। साल 1901 में उनका भी इंतकाल हो गया और अब नवाब बने सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम का निकाह अहमद अली खान से हुआ था और इस शादी से उन्हें 3 बेटे पैदा हुए, जिनका नाम था रसुल्ला खान, ओबेदुल्ला खान और हमीदुल्ला खान। अहमद अली खान की भोपाल दरबार में काफी इज्जत थी और उन्हें वजीरो दौला का टाइटल दिया गया था, लेकिन नवाब बनना उनके नसीब में नहीं था। तभी तो शाहजहां बेगम के इंतकाल के सिर्फ 1 साल बाद यानी कि साल 1902 में हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया। इसी वजह से सुल्तान जहां बेगम को भोपाल का राजकाज संभालना पड़ा। नवाब बनकर वो जनता में ताई खुसरो बेगम के नाम से मशहूर हुई। उन्होंने ही भोपाल का मिंटो हॉल बनवाया, लाइब्रेरी बनवाई, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए। कहते हैं कि इन्हें अपने सबसे छोटे बेटे हमीदुल्ला से काफी प्यार था और वो उन्हें अपना वारिस बनाना चाहती थी। लेकिन उनके बड़े बेटे रसुल्ला खान का कम ही उम्र में निधन हो गया, इसलिए नवाब बनाया जाना था उनके दूसरे बेटे ओबेदुल्ला खान को। तब सुल्तान जहां बेगम इंग्लैंड गई और अंग्रेजों के साथ मिलकर काफी लोबिंग की। खुद किंग जॉर्ज ने ऑर्डर पास करके 1926 में हमीदुल्ला को नवाब बनवा दिया। हमीदुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की स्टडी की थी। महज 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी मैमुना सुल्तान से हो गई थी। शादी के बाद उन्हें 3 बेटियां हुई, आबिदा, साजिदा और राबिया सुल्तान। हमीदुल्ला उस दौर में मोहम्मद अली जिन्ना के पक्के दोस्त थे और मुस्लिम लीग के काफी करीबी थे। लॉर्ड माउंटबेटन से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। साल 1944 में उन्हें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर चुना गया, लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तब उन्होंने दिखा दिया कि वो भारत के कतई सगे नहीं हैं। उन्होंने सभी राजाओं को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करने से मना किया और ये ख्वाब दिखाया कि वो भारत से अलग एक नया देश प्रिंसेस्तान बनाएंगे। लेकिन बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह और पटियाला के महाराजा यादवेंद्र सिंह ने ऐसा होने नहीं दिया। वक्त के साथ एक एक करके सभी रियासतें भारत में मिलती गईं, लेकिन उन्होंने भोपाल का विलय अब भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये वहम हो गया था कि जिन्ना के बाद वो ही पाकिस्तान के अगले गवर्नर बनेंगे। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा रियासतों को पाकिस्तान में मिलाया जाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिशें शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने जैसलमेर, जोधपुर, इंदौर और बड़ौदा के राजाओं को लालच देकर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी भी कर लिया था, लेकिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने उनकी इस चाल को फेल कर दिया। उस दौर में अगर नवाब कामयाब हो जाते तो आज आधा राजस्थान पाकिस्तान में मिल जाता। लेकिन महाराणा भूपाल सिंह ने रियासतों को कैसे बचाया, इसकी कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे जरूर देखें। कभी बुखार तो कभी अलग अलग बहाना बनाकर नवाब पूरे 2 सालों तक भोपाल के विलय को टालते रहे। इस कारण जनता का धैर्य जवाब दे गया। शंकर दयाल शर्मा की लीडरशिप में भोपाल की जनता ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जिन्ना भी नवाब की मदद नहीं कर पाए और जब नवाब अकेले पड़ गए तो उन्होंने भोपाल का विलय भारत में कर दिया। वो चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी आबिदा उनकी वारिस बने और वो खुद पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएं।
लेकिन आबिदा ने भोपाल की प्रॉपर्टी छोड़ दी और परिवार के साथ पाकिस्तान चली गई, जिसके बाद उनकी छोटी बहन साजिदा सुल्तान, जिन्होंने पटौदी के नवाब से शादी की थी, उन्हें भोपाल की बेगम बनाया गया। आज उनके ग्रैंडसन सैफ अली खान उनकी इस प्रॉपर्टी के वारिस हैं, जो पटौदी के नवाब भी हैं। पटौदी रियासत की हिस्ट्री पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, नवाब हमीदुल्ला खान को लेकर एक कहानी बड़ी मशहूर है। कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का झांसा देकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने उन्हें कराची बुला लिया था, लेकिन यहाँ पर उनके साथ ऐसा खेल हुआ कि उन्हें जान बचाकर लंदन भागना पड़ा। भारत से भोपाल को अलग करने के लिए उन्होंने कितनी कारस्तानियां की, क्या क्या बहाने बनाए, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। दोस्तों, इस पर भी हम आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि भोपाल को ही मध्य प्रदेश की राजधानी क्यों बनाया गया। लेकिन इससे पहले आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये कहानी आपको कैसी लगी। इस रिपोर्ट को पूरा फैक्ट चेक के बाद बनाया गया है, जिसके सोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपने सजेशन हमें मेल कर सकते हैं। हिस्ट्री और करंट अफेयर से जुड़ी हुई ऐसी ही स्टोरीज को एक मिनट में देखने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर याद से फॉलो कर लें। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।